पे बात करने वाले हैं कि नीति कट ऑफ क्या जाएगी कट ऑफ भी कौन सी जनरल कैटेगरी में कितनी जाएगी एससी एस टी में कितनी जाएगी ओबीसी में कितनी जाएगी स्टेट वाइज कितनी जाएगी क्या मुझे कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा कई बार बच्चे में देखता हूं कि महीने दो महीने उस काउंसलिंग के टाइम पर निकाल देते हैं अभी पर इसका बताने का पर्पज ये कि आप पहले ये समझ पाओ कि क्या मेरे लिए उम्मीद है उसको पकड़ लो इन दोनों में जो लोअर होगा उससे कम अगर आपके नंबर हैं तो फिर आपको कॉलेज मिलने की संभावना नमस्कार मैं आपका अपनातन विजय नीट 2024 हो गया है बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है मोशन का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ रहा है छः सौ के ऊपर मैं भी छः बच्चों से मिल के आ रहा हूँ जो बिल्कुल कोटा क्लासरूम में थे उसके ऊपर वाले बच्चे और आ, से हम वार्ता कर रहे हैं तो आगे बन रही है खैर उस पर बात नहीं करते हैं मोशन के रिजल्ट पर बात करनी है जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उस पर बात करने वाले हैं कि नीट की कट ऑफ क्या जाएगी कट ऑफ भी कौन सी जनरल कैटेगरी में कितनी जाएगी एस सी में कितनी जाएगी ओ में कितनी जाएगी स्टेट वाइज कितनी जाएगी सारे स्टेट का तो नहीं पर मेजर मेजर स्टेट का डेटा हम इकट्ठा कर पाए हैं और हम कर पाए क्योंकि पूरी टीम लगी रही कल से लेकर सुबह से लगी हुई है कल से भी लगी हुई है कि कितना जाएगा कुछ डेटा हमारे पास होता है उसे हम एक इन्फ्लुंस निकालते हैं प्रीवियस ईयर से निकालते हैं तो दो तरीके से हम डेटा सजाते हैं उसके हिसाब से हम कट ऑफ एक्सपेक्टेड निकालते हैं तो एक तरीका क्या फिर से बताता हूं जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उनको देखते हैं और हमारे जो एक्सचेंज बच्चे उनके कैसे नंबर आए उसके हिसाब से हम स्टेट वाइज और सारी कट ऑफ को निकालते हैं तो वीडियो काम का होने वाला है और ध्यान से सुनिएगा कि आपको कौन से स्टेट में कौन सा मिल सकता है सारे स्टेट का डेटा नहीं है हमारे पास पर जिनका हम निकाल सकते थे जिनका हम इन्फ्लुएस निकाल पाए उनका हम आपको बता रहे हैं तो कट ऑफ क्या रहने वाली है सबसे पहले बात करते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए पंद्रह परसेंट कोटे से हमारी सीट जाती है किसकी जो ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे जाती है जो पंद्रह परसेंट सीट होती है यानी कि सौ सीटें तो पंद्रह ऑल इंडिया रैंक से भरी जाएंगी और जो बाकी सीट है एटी वो आपकी स्टेट कोटा से भरी जाएगी तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं तो अगर मैं राजस्थान का हूं तो मेरे लिए राजस्थान की स्टेट कट ऑफ भी इंपॉर्टेंस रखती है और पूरे देश भर में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो जो पंद्रह में मेरी रैंकिंग है उसके हिसाब से कौन सी कट ऑफ जाती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है या आप लोग जानते होंगे फिर भी मेरे को एक बार बताना मेरा धर्म है तो पहली बात उस पंद्रह परसेंट कोटे के लिए जिससे हम पूरे देश में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं मतलब हम इंडिपेंडेंट ऑफ अवर डोमिसाइल हैं यानी कि हमारे को कौन सा स्टेट कोटा लगता है उससे हम इंडिपेंडेंट हैं तो उसमें हमारी क्या कट ऑफ जाने वाली है उस पर अपन बात करते हैं ध्यान से सुनिए तो टीम ने एक्सपेक्टेशन रखी है क्या कट ऑफ जाने वाली है जो बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो अपनी जनरल कैटेगरी है उसमें जो हम कट ऑफ मान रहे हैं जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे आपको जनरल कैटेगरी में जितने नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो नंबर है छह कितने हैं ओबीसी कैटेगरी 610, एससी कैटेगरी 515 और में पे आपको मिल जाएगा तो आप पूरे देश भी कॉलेज में तो जो आपको लास्ट कॉलेज में लास्ट सीट पर एडमिशन मिल सकता है जनरल कैटेगरी वो है छह ठीक है ओबीसी छह सौ दस पांच सौ पंद्रह चार सौ पंचानवे हमारी एक्सपेक्टेशन है इसके आसपास आने की हमें पूरी उम्मीद है क्यों ये इंपॉर्टेंट है अभी ये जानना क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ के साथ है कि क्या मुझे कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है कई बार बच्चे में देखता हूँ कि महीने दो महीने उस काउंसलिंग के टाइम पे निकाल देते हैं अगर हमारा नंबर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है पर अगर डायलमा है या नंबर नहीं आ रहा है तो दोबारा तैयारी करने में विलम्ब करने का कोई मतलब नहीं है चलिए आगे बात करते हैं जब भी हम बोलते हैं कि दोबारा तैयारी करने के लिए तो बच्चे हमें कई बार या बच्चे तो नहीं कई बार दूसरे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं इनका सर ये स्वार्थ रिपीट करा दो हमारा स्वार्थ नहीं है बट मैं मानता हूँ कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और इस साल नंबर कम आए हैं तो रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है इस हिम्मत की कीमत भगवान देता है क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत रूप से ही मिली थी तो हिम्मत की कीमत देंगे पर हाँ इस बार टीम ने यह भी तय करा है अगले एक दो दिन में हम ऐसा भी वीडियो लाएंगे जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते ड्रॉप जिनको लेना है उनको क्या करना चाहिए उसके लिए तो हम बहुत बात करते हैं पर जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते और उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको कुछ बिल भी नहीं रहा है उनको क्या करना चाहिए उसके लिए भी हम विकल्प के लिए एक हेल्प के रूप में आपकी पूरी टीम जो है एक पीपीटी स्ट्रक्चर कर रही है तो हम आपको बताएंगे मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊँगा कि आप क्या क्या आप कर सकते हो बी फार्मेसी में क्या कर सकते हो डी फार्मेसी कर सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस ठीक है अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे और ड्रॉप लेने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं है पर फिर से मैं अपना व्यक्तिगत मत रखना चाहता हूँ कि अगर आपके पास चांस है और हिम्मत कर सकते हो तो हिम्मत करिए खैर ईश्वर करे आपके कट ऑफ सुनने के बाद आपके नंबर पार कर रहे हो ऐसा हो सकता है पर सच्चाई ये भी है कि ये शायद कुछ के साथ ही होगा बहुतों के साथ ऐसा होगा कि वो कट ऑफ पार नहीं कर रहे हो तो हिम्मत रखनी है चलिए खैर आगे चलते हैं ये नॉर्मल ऑल इंडिया 15 परसेंट जो कोटा है उस पर ये बात हो रही है कैटेगरी वाइज अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज जैसे कट ऑफ फिफ्टीन जो ऑल इंडिया की कट ऑफ है बेसिकली स्टेट वाइज कैसे जाती है स्टेट वाइज भी तो जाती है ये हाँ एक्चुअली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ जैसे मान लीजिए कोई बच्चा राजस्थान का मैं आपको बात करूँ तो राजस्थान में स्टेट की कट ऑफ जो पंद्रह से सीटें भरती है वो राजस्थान में मान लीजिए छः पे भर रही है और यानी कि अगर सिक्किम का कोई बच्चा है तो उसके छः से ज़्यादा नंबर हैं तो उसको राजस्थान में सीट मिल जाएगी और उसकी सिक्किम की कट ऑफ मान लीजिए सिक्किम की उसी स्टेट डोमिसाइल की कट ऑफ मान लीजिए 580 है तो उसको 580 पे अस्सी वहाँ मिल जाएगा इसका उल्टा भी हो सकता है कि राजस्थान का बच्चा सिक्किम जाना चाहे तो हो सकता है सिक्किम की ऑल इंडिया पर, 15 कट ऑफ वाली वो जो छह सौ पांच हो तो वो वहां पे जा सकता है तो ऐसा हो सकता है कि राजस्थान वाले वाले बच्चे बच्चे को को ऐसा हो सकता है कि राजस्थान राजस्थान की कट ऑफ जो है राजस्थान की दो कट ऑफ है कौन कौन सी ध्यान ध्यान सुनिएगा मेरी बात मैं राजस्थान का बच्चा हूं तो मेरे पास राजस्थान में एडमिशन लेने के दो तरीके एक तरीका कि मैं ऑल इंडिया रैंक से अपने एडमिशन को राजस्थान में ले लूं दूसरा मैं जो मेरे स्टेट का एटी परसेंट का राजस्थान की जैसी बात है छह इंडिया कोटे से, चे, है। तो जैसे है, से मुझे मिल जाएगा पर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे नंबर छह सौ तो अगर मेरा नंबर 610 है तो ना तो मुझे राजस्थान में स्टेट कोटा से मिली ना मुझे ऑल इंडिया कोटा से मिली पर हो सकता है सिक्कि में मिल रही हो क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में मेरे हो सकता है ऑल इंडिया कोटा की उसी कट ऑफ छह सौ ही हो या पांच सौ नब्बे ही हो हाँ। इसलिए बाहर भी आपको मिल सकता है तो आपका स्टेट कहां पर है और आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है स्टेट वाइज ये मैटर करता है तो ऐसा हो सकता है कई स्टेट में ऐसा होता तो है कि बच्चे को खुद की स्टेट में 85 परसेंट वाले में भी सीट नहीं मिलती ऑल इंडिया वाले से भी सीट नहीं मिलती खुद के स्टेट में पर दूसरे स्टेट में ऑल इंडिया वाले से मिल जाती है इसलिए दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं कोटा की ये वो वाली सीट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, नंबर हमारा प्रोडिक्शन है ये पंद्रह परसेंट वाला कट ऑफ है अभी ऑल इंडिया स्टेट वाइज में पंद्रह परसेंट कट ऑफ वाली सीट्स का आपको डेटा बता रहा हूं सर इतना सा डेटा हम कैसे याद रखें अपने अपने स्टेट को देख लीजिए और हम नीचे आपको लिंक में है ना आपको पूरी सी पी भी देंगे उस पी को आप डाउनलोड कर लीजिए तो आप उसको मैच कर सकते हो पहली बात ये हमने फिर मैं आपको कह रहा हूं ये रियलिटी नहीं है प्रिडिक्शन है इसके ऑलमोस्ट ही अपन आसपास ही अपनी जो है रियल रिजल्ट आएगा तब तो इसके आसपास ही होना चाहिए ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं है हमारे अनुभव के साथ प्रीवियस डेटा को मैच करके और हमारे बच्चों को डेटा को देख कर हमने इसको बनाया है तो छत्तीसगढ़ 618, ओबीसी 615, एससी 525 और एसटी टी एस टी ऐसे अगर हम बात करें फिर से पंद्रह पर्सन कोटा कौन सा कि अगर आप अगर आप ध्यान सुनिएगा अगर आप एस कैटेगरी के, के हो तो 500 और आप राजस्थान डोमिसाइल के हो तो वो एस सी कैटेगरी के, के हो तो 525 नंबर पे आपको छत्तीसगढ़ में मिल सकता है है कि नहीं पर हो सकता है गुजरात में ना मिले हां पर उड़ीसा में मिल सकता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मुझे कहाँ का क्या क्या मिल सकता है कौन सा स्टेट मिले खुल सकते हैं तो बेसिकली हो सकता है कि मेरे को मेरे स्टेट में मिल रहा हो पर और कौन कौन से स्टेट में मुझे ऑल इंडिया बेसिस पे मिल सकता है आपको इस पर ध्यान हो आपका होना चाहिए ताकि आप बेस्ट कॉलेजेस अपने लिए ढूंढ पाओ तो एक कैटेगरी अपने लिए है अभी पर इसका बताने का पर्पज यह कि आप पहले ये समझ पाओ कि क्या मेरे लिए उम्मीद है तो जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो उसको कैसे सोचना चाहिए समझें उसको ऐसे सोचना चाहिए कि मान लीजिए मैं गुजरात का बच्चा हूं सोचना कैसा चाहिए मैं आपको बताता हूं मैं गुजरात का बच्चा हूं और मैं एससी कैटेगरी का हूं एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं गुजरात का बच्चा हूं मैं एससी कैटेगरी का हूं तो 545 तो मेरी गुजरात की लोअर कट ऑफ है हाँ ठीक है किस की ऑल इंडिया की पर इनमें से जो सबसे लोवेस्ट है इनमें से सबसे हो सकता है मेरे पांच नंबर हो तो मेरे को गुजरात में ना मिले पर मुझे कहा मिल सकता है वेस्ट बंगाल में कहा मिल सकता है वेस्ट बंगाल में यानी कि ऑल इंडिया कोटा की आपकी कैटेगरी की जो सबसे लोवेस्ट है ध्यान से सुनना ऑल इंडिया कोटा की जो आपकी कैटेगरी की सबसे लोवेस्ट है उसमें आपका चांस है या फिर आपके स्टेट की 85% फाइव परसेंट जो क्राइटेरिया है वो जो लोवेस्ट है वो आपका क्राइटेरिया है शायद मैं अपनी बात को और आसानी से आपको समझाना चाहता हूँ समझिएगा अच्छे से ठीक है पहले मेरे हिसाब से मैं ये, आपको ये वाली कहानी सुना देता हूं समझते हैं अच्छे से झारखंड छह सौ पच्चीस छह सौ बाईस पांच सौ पैंतीस पांच सौ दस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एडमिशन मिलना तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा वो आखिरी तक रुके रहते हैं कितने पे मिलेगा क्लैरिटी होनी चाहिए फिर से एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा आपको समझना अच्छे से ध्यान समझो ऐसे ही महाराष्ट्र का छह सौ सत्रह छह सौ चौदह पांच सौ बीस चार सौ अंठाननवे और कौन से स्टेट से मेन मेन ध्यान से देखिए बिहार हरियाणा पंजाब यूपी एमपी राजस्थान देखिए बिहार में छह सौ तेईस छह सौ बीस पांच सौ तीस पांच सौ दस ऐसे ही अगर अपन यूपी की बात करें तो 635, 632, 530 सौ और 515 ये 15 परसेंट वाली कोटा ऑल इंडिया की है यानी कि राजस्थान का अगर कोई बच्चा है तो उसको यूपी में राजस्थान का अगर कोई बच्चा है और एस टी कैटेगरी का है तो उसको यूपी में मिल सकता है पांच पे कितने पे पांच पे एमपी में पांच पे देखो एमपी की बहुत कम जाती है है ना यानी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं अगर आप स्टेट ऑल इंडिया स्टेट अगर आप बहुत ध्यान देखो जो स्टेट मैंने पकड़े हैं इनमें ऑलमोस्ट काफी सारे कवर हो जाते हैं ध्यान समझना आप अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी इस इस वाली स्लाइड में और पिछले वाली स्लाइड में इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है देखो छो अठारह इससे पिछली वाली स्लाइड में देखो इसे पिछली वाली स्लाइड में कितना है छह सौ सत्रह छह सौ पंद्रह उड़ीसा ठीक यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी ऑल इंडिया मैं अगर आपके नंबर आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी और आपके नंबर 615 से कम है तो ऑल इंडिया बेसिस पे और अनरिजर्व कैटेगरी तो के छह सौ पंद्रह से नीचे पे आपको कॉलेज मिलने की संभावना है बहुत कम है मतलब नेगलिजेबल मान लिया छह सौ नंबर है तो उसमें तो नहीं मिलेगा अब स्टेट कोटा में देखेंगे हमारे स्टेट को जो अभी स्टेट कोटा आगे बताऊंगा आपको ऐसे अगर ओबीसी की बात करें तो देखो इस पेज में सबसे लोएस्ट कौन सा है छह ठीक है सर है ना छह और इधर कौन सा है देखो इधर कितना है उधर 632 तो 610 सबसे लोवेस्ट है यानी कि ओबीसी कैटेगरी पे अगर अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी कौन सी कटेगरी ओबीसी ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके नंबर 610 से कम है तो फिर आपको ऑल इंडिया में मिलना मुश्किल है ठीक है ऐसी अगर ऐसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें सबसे सबसे कम नंबर कौन है पांच ठीक है सर पांच और इधर कौन है इधर 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 सबसे कम है यानी कि अगर अपन बात करें तो अपने बात समझ में आएगी एस सी कैटेगरी से अगर हम हैं और हमारा स्कोर पांच से कम है तो फिर हमें ऑल इंडिया बेसिस पे मिलना मुश्किल है हमारे स्टेट पे मिल सकता नहीं मिल सकता वो अगली स्लाइड्स में पता पड़ेगा वो स्टेट बाय स्टेट पता पड़ेगा ठीक है पर ऑल इंडिया बेसिस पे मुझे इससे कम तो नहीं मिल पाएगा ये चांसेस हैं अभी हमारे स्टेट्स को जिनको हमने करा है लगभग लगभग मैं इसको थोड़ा और रिफ्रेश कर दूं छह से कम अगर नंबर है तो ऑल इंडिया बेसिस पे आपको मिलना थोड़े से चांसेस कम हैं ओबीसी में भी आप मान के चलो 600 605 से कम है तो चांसेस कम है ऐसे एस सी में पांच सौ अठारह पांच सौ दस से कम है तो चांसेस कम है ऐसे एस को अगर अपन पकड़े तो एस को देखो ध्यान से एस कैटेगरी पांच सबसे लोएस इसमें दिखाई दे रहा है चार सौ दिख रहा है चार में दिख रहा है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में देखते कुछ है क्या इससे छोटा नंबर नहीं इसमें सब पांच वाले हैं यानी कि 498 यानी कि अपन ऐसा समझे कि एस टी कैटेगरी में अगर आपके नंबर 495 से कम है ये 495 नाइन्टी फाइव ये रहा इससे कम है तो फिर आपको ऑल इंडिया में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है ऑल इंडिया कैटेगरी से अब बात आती है आपके स्टेट्स की कि सर मैं तो यूपी का हूं मान लीजिए किसी बच्चे का भी दिखाई दे जाएगा आपको इसको याद रखना जो मैंने आपको बोला है छह सौ पंद्रह छह सौ दस पांच सौ अट्ठारह चार सौ पंचानवे ठीक है हाँ सर ये बात हमें समझ में आई सर अच्छा सा लग रहा है देखो और देखो है अब देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूंगा हाँ आ गया। चलो अब देखो अब अपन बात करते अपनी ये, ये दोनों अपन साइड से देख चुके थे अपन अब बात आती है नीट स्टेट वाइज कट ऑफ एटी फाइव परसेंट की ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सबमिशन करके बताऊंगा आखिरी में स्टेट वाइज कट ऑफ देखो जैसे छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ में आप ऐसे समझो पांच सौ साठ से कम अगर आपके नंबर हैं तो फिर आपको अब आप जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे अगर आप अनिजर्व कैटेगरी के हो और छत्तीसगढ़ के हो कहां के हो छत्तीसगढ़ के और आपके नंबर अनरिजर्व में हो और 560 से कम है तो देखो अनिजर्व 615 चाहिए था ऑल इंडिया तो ऑल इंडिया से भी आपको कॉलेज नहीं मिल सकता और आपको पांच से कम भी नहीं मिल नहीं, अगर छत्तीसगढ़ की टेबल बनाऊ की टेबल खुद बनानी है तो आप समझना छत्तीसगढ़ की के बता रहा हूं आपको छत्तीसगढ़ आप तो की बनाता हूं, अगर किसी भी स्टेट के हो, तो फिर आप उसको बनाना अपनी टेबल खुद ये आ, यूपी यूपी में आप समझो 610 यूपी की अगर बात करो तो टेबल ऐसे बनेगी अगर यूपी में आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो और ओबीसी के हो और आपकी एस हो या फिर एस हो तो ध्यान सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको ठीक है 615 थी जनरल कैटेगरी और यह है 610 याद करो तो 615 में ऑल इंडिया कहीं नहीं मिल रहा था और 610 में यूपी में नहीं मिल रहा था यानी कि अगर यूपी का कोई बच्चा है तो उसके नंबर और वो इस कैटेगरी से है तो उसके नंबर अगर 610 से कम है तो फिर उसके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलने के चांसेस उसके नहीं है ऐसे आप समझो छह सौ पांच उधर यूपी में कितना आ रहा था छह सौ दस अब इधर छह सौ पांच यानी कि अगर उसके नंबर छह सौ पांच से कम है ओबीसी में तो उसको यूपी में भी नहीं मिलेगा और उसको ऑल इंडिया बेसिस पे भी कहीं मिलना संभव नहीं है ऐसे अगर अपन बात करें एससी की तो एससी का 485 कितना 485 एटी फाइव एटी फाइव क्योंकि याद करो उधर की तरफ कितना आया था अपन ने जब पीछे की बात करी थी तो पीछे जो अपने को कट ऑफ दिखाई दे रही थी वो एरी देखो यहाँ थी एरी एस सी कितनी थी पांच सौ अट्ठारह और उधर कितनी घंटे जो पांच सौ अट्ठारह थी ना और इधर कितनी आई अपनी इधर आई अपनी ये वाली ये फोर एटी फाइव यानी कि फोर एटी फाइव तो पाँच सौ पंद्रह से फोर एटी फाइव कम है हाँ सर एसी एस टी की देखो तो कितनी चार सौ पचास अब तुम्हें ऐसा लगेगा सर यूपी में तो सारी कम आ गई यानी कि यह वाली लोवेस्ट हो गई हर स्टेट में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है हर स्टेट में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनकी ये वाली कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको दोनों देखना पड़ेगा कि मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा तो आप ऐसा समझो यूपी में अगर आपके इन कैटेगरी में और इनसे नंबर आपके कम हैं तो फिर आपको यूपी में भी नहीं मिल पाएगा और ऑल इंडिया पे भी मिल नहीं पाएगा ठीक है तो ये स्टेट वाइज कट ऑफ दो हजार चौबीस फाइव परसेंट की ऐसे कटऑफ है पांच सौ साठ पांच सौ सत्तर ये लोअर हमने रेंज बनाई एक थोड़ी थोड़ी लगभग लगभग अपन तो लोअर वाली पकड़ लेते हैं पांच सत्तर उड़ीसा पांच सौ नब्बे झारखंड पांच सौ पंचानवे वेस्ट बंगाल पांच सौ साठ पांच सौ नब्बे ओबीसी की ये रही एससी की ये रही और एससी की ये रही फिर मैं कह रहा हूं खुद की टेबल खुद बनाइए आपके लिए तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा जब आप ढंग से देखोगे तो अगर आप एस टी कैटेगरी फिर से कह रहा हूं अगर आप एस टी कैटेगरी ध्यान समझना मान लीजिए मैं से कोई पूछे कि मैं झारखंड का बच्चा हूं मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं तो मैं उससे बोलूंगा पांच सौ पिचासी कितनी 585 से कम अगर नंबर है तो फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना इस साल संभव नहीं है यानी कि अगर किसी के पाँच या मान लो पाँच से नीचे आ रहे हैं तो फिर उसे कुछ भी मिलना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उसके चांसेस बहुत कम हैं ठीक है थीके? पक्का समझ में आ रही बात हाँ सर तो इस तरीके की अपनी बात होती है सर मेरे तो बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं सर मेरे को एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा एम्स की भी हमने एक अलग कट ऑफ लिस्ट बना रखी है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपन क्या करने वाले हैं तो मैं फिर से अपनी बात एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको दो बातों में ध्यान देना है इसको इस पूरी शीट को पढ़कर कि ऑल इंडिया कट ऑफ क्या है क्योंकि उससे मुझे हर स्टेट में मिल सकता है मेरी कैटेगरी में और मेरे स्टेट में मेरी कैटेगरी में क्या लोअर कट ऑफ है उन दोनों का जो लोअर नंबर है तो दो नंबर आपको दिखाई देंगे किसी भी बच्चे को मेरी कैटेगरी का मेरे स्टेट का लोअर नंबर क्या है उसको पकड़ लो और ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी का लोअर नंबर क्या है उसको पकड़ लो इन दोनों में जो लोअर नंबर होगा हाँ। फिर से सुनना क्या कह रहा हूं ध्यान से अच्छे से है ना क्या कह रहा हूं सुनो कि मैं मेरी कैटेगरी का मेरे स्टेट का क्या कट ऑफ है हां मेरी कैटेगरी का मेरे स्टेट का क्या कट उस नंबर को समझ लो मान लो पांच सौ पचास और ऑल इंडिया का मेरी कैटेगरी का क्या कट ऑफ है मेरी कैटेगरी का है ना उसको पकड़ लो इन दोनों में जो लोअर होगा उससे कम अगर आपके नंबर हैं तो फिर आपको कॉलेज मिलने की संभावना बहुत कम है तो ये पूरी पूरी बनाई गई है ये एम्स क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके हिसाब से बनाई गई है तो ये ज्यादा अपर वाली साइड होती है तो मार्क्स ईडब्ल्यू एस और ओबीसी इन तीनों कैटेगरी की हमने एम्स की लगभग लगभग कट ऑफ को प्रेडिक्ट करा है क्योंकि लगभग लगभग प्रीवियस ईयर से ही मैच होती हुई रखती है कि जैसे एम्स दिल्ली है एम्स भोपाल है उनकी कट ऑफ होती है इसको जो बच्चे बिल्कुल टॉप वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं इसमें ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैगज बहुत कम बच्चे इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ बट आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो तो ये आपको दिखाई देगा ठीक है तो आशा करता हूं कि पूरी टीम की जो मेहनत मैं पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बात और बोलना चाहता हूँ फिर से कि अगर आपको आज डिसाइड हो जाता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो बहुत दिन खराब करे बिना हिम्मत करो रिपीट करो फिर कह रहा हूं हिम्मत करो रिपीट करो पर अगर नहीं करना है नहीं करना है तो क्या करना है इस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे बट मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बोलता हूँ कि पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए कोटा आ सकते हैं तो आइए बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोग लेके आ रहे हैं मोशन स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छी दे रहा है थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आपको ठीक लगेगा जो सुनना चाहते हैं सुनिए लाइव क्लासेस भी चलती हैं लाइव पूरा सेशन है उस पर बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है कोटा के भी आप पढ़ सकते हो उसकी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप से नंबर बेसिस पे फीसेज़ बहुत कम रखी गई हैं क्योंकि हमें जाहिर सी बात है जुजारू वाले बच्चे चाहिए इस बार जे स्टार का जो हमारा टॉप बैच था पूरा पूरा सेलेक्ट हो रहा है तो स्कॉलरशिप बहुत नंबर्स के बेसिस पे दी गई है उसको पूरा पूरा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे जाएगा कि कितने नंबर पे कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है वो हमारे ईयर स्कॉलरशिप से पेज से भी आप लोग देख सकते हो बट जाहिर सी बात है कि पढ़ना आपको पड़ेगा हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी हिम्मत और मेहनत आपकी आपके साथ पूरे जी जान से लगने की का दावा हमारा ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो आप सिलेक्शन के तरफ चले जाओगे आशा करता हूँ ये सभी एफ़र्ट्स जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी हेल्पफुल रहते होंगे और यूजफुल रहते होंगे हमारे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू